सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दिनारी टीवी साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको 15% इजाफे के बाद तनख्वाहों में स्केल वाइज इजाफे का चार्ट दिखाएंगे, चारों अडाक लीफ जम करके। मज़ीद वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नाज़रीन, स्क्रीन पर जो चार्ट देख रहे हैं आप, इसमें अमूदी कॉलम में स्केल दिए हुए हैं और उसके सामने जो कितार बनी हुई है उसमें स्टेजेस दी हुई हैं। आपने सबसे पहले अपनी सैलरी स्लिप पर अपनी स्टेज देखनी है और इसके बाद इस चार्ट में आप कॉलम में अपना स्केल देखेंगे और उसके सामने आप स्टेज देखेंगे और जो भी स्टेज आपकी होगी उसके मुताबिक आप अपनी सैलरी में इजाफ़ा चेक कर सकते हैं। नाज़रीन, फ़र्ज़ की हम स्केल 14 देखना चाह रहे हैं तो स्केल 14 की इब्तदाई बुनियादी तनख्वाह 15,180 से बढ़कर अडाक लीफ जम करने के बाद 21,010 रुपये कम से कम बुनियादी तनख्वाह बनती है और सालाना इंक्रीमेंट 1170 से बढ़कर 1640 रुपये हो गया है। मैक्सिमम बुनियादी तनख्वाह 50,280 से बढ़कर 70,210 रुपये हो गई है। फ़र्ज़ किया आपका स्केल 14 और स्टेज 5 है तो उसकी बुनियादी तनख्वाह 21,030 से बढ़कर 29,210 रुपये हो गई है। स्केल 1-22 मुकम्मल चार्ट दिया गया है, इसमें आप अपनी सैलरी देख सकते हैं मुतलका स्टेज देखकर और मुतलका आप अपना स्केल देखकर आप अपनी सैलरी में इजाफ़ा देख सकते हैं। और इसके अलावा इस बजट में खुशी की खबर यह है कि हुकूमत ने कन्वेंस अलाउंस में भी 100% इजाफ़ा किया है, चारों अडाक रिलीफ को भी जम किया गया है। पंजाब के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर यह है कि पंजाब हुकूमत 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का ऐलान भी बजट के साथ ही करने जा रही है। मज़ीद अपडेट्स के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।